आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। मैंने सभी जितने भी राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दल हैं उन सबसे भी संपर्क किया है, उनके सुझाव मांगे हैं और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जाकर के, वो आपके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। कुछ विधानसभाओं में कुछ विकृतियां आ गई, उनका समय पहले समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसलिए वो समय अवधि समाप्त हो गई। इसके परिणाम जो देखे गए और इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है और कई समितियों की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है और उसमें और भी हमारे सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के और जनता के साथ मिलकर के एक बाया मीडिया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इसकी हम इसको इस प्रथा को पुनः लागू कर सकते हैं। मैंने सभी जितने भी राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दल हैं उन सबसे भी संपर्क किया है, उनके सुझाव मांगे हैं और कभी न कभी हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने इसकी इसका समर्थन भी किया है। कुछ दल हो सकते हैं लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आप हमें सकारात्मक अपना सहयोग हमें इसमें दीजिए, क्योंकि इससे देश का हित है, ये एक राष्ट्रीय हित के मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, आप इस पे सोचिएगा कि ये प्रथा यदि लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल सत्ताधारी दल होगा उसको फायदा होगा, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जाकर के, वो आपके विकास